हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधुस ऑनलाइन रेसिपीज। आज हम मूंग के चिलरे बनाना सीखेंगे और वो भी चटनी के साथ। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। मूंग के चिलरे बनाने के लिए हम एक बाउल में एक कप मूंग लेंगे, 2 टेबलस्पून चावल लेंगे यानी राइस। अब उन्हें धो करके हम 5-6 से 7 घंटे हम उन्हें पानी में भिगो के रखेंगे, या आप पूरी रात भिगा के रख सकते हैं। अगर आपके पास मूंग नहीं है तो मूंग दाल आप यूज़ कर सकते हैं, छिलका वाली। मूंग हमारे भीग गए हैं, अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम स्ट्रेन कर देंगे। ड्रेन किया हुआ पानी हम अलग रख के रखेंगे। मूंग को हम जार में डालेंगे पिसने के लिए। उसके साथ में हम 2 हरी मिर्ची डालेंगे, मिर्ची कम बेसी आप कर सकते हैं। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, वो हम क्रश करके डालेंगे ताकि वह मूंग के साथ इजीली पिस जाए। अब थोड़ा पानी डालेंगे, पिसने में हेल्प रहेगा हमारे। पानी उतना ही डालें जितना ज़रूरत हो। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसमें हम 1.5 टेबलस्पून ज्वार आटा डालेंगे क्रिस्पीनेस के लिए, नमक अपने स्वाद के अनुसार। हमारे घोल की कंसिस्टेंसी थिक है, इसीलिए अब हम इसमें फिर से ड्रेन किया हुआ मूंग का पानी ऐड करेंगे। डोसे के घोल के जैसा ही हमारा बैटर होना चाहिए, या फिर आपका चिलरा अच्छे से फैले उतना ही पतला करें उसे। ये हमारा तैयार है घोल। अब चटनी बनाने के लिए हम एक जार में 1/2 कप पीनट लेंगे, या फली या मूंगफली। 10 कली हम लहसुन की लेंगे, 30 से 35 करी पत्ता और 3 सूखी लाल मिर्च, मिर्च कम बेसी आप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जीरा लेंगे और 10 ग्राम इमली भीगी हुई। अब पानी डाल के हम पीस लेंगे इसे। इसमें अब नमक डालेंगे हम अपने स्वाद के अनुसार। गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं पानी मिला के। ये चटनी तैयार है। अब हम चिलरा की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने कैरेट लिया है 1/4 कप कद्दूकस करके, कैबेज चॉप करके 3/4 कप, प्याज लिया है 1/4 कप और पनीर लिया है 1/4 कप। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ताकि चिलरे के ऊपर डालने के समय आसानी से हम उसे फैला सकेंगे। अब तवा गरम कर लिया है, उस पर हम 1 चम्मच अपना बैटर डालेंगे और उसे धीरे धीरे राउंड शेप के अंदर में बढ़ाते रहेंगे चम्मच को, गाढ़े की तरफ से। ये धीरे धीरे साइड साइड से आप फैलाइए उसे, ये बहुत इजीली हो जाता है। अब इसके ऊपर हम लोग अपनी जो वेजेस जो हमने मिक्स करके रखी थी स्टफ के लिए वो फैला देंगे, और थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसके ऊपर। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट में हमारा चिलरा सिक जाएगा और वेजेस भी थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है। नीचे से आपको ब्राउनिश जैसा दिखने लगेगा चिलरा में। अब हम इसे देखिए, हमारा तैयार हो गया है चिलरा। ये हमारा तैयार हो गया है, ये सर्व करिए। आप भी खाइए, सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।